हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव क्लासेस। नेक्स्ट जो आपका अपन ने क्या पढ़ा है, अभी तक लेंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट जो टॉपिक था ना अपना, वो कौन सा था, सॉरी अपन ने बात करी थी कौन के कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो मिरर सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं उनकी बात करी थी। नेक्स्ट जो है फर्स्ट कंडीशन मैंने बताया था आपको एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उपस्थित है तो उसकी इमेज जो है वो कहाँ पर बनती है, एट ए फोकस एफ टू के ऊपर, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी नेचर क्या होती है, लाइट रेज को कन्वर्ट करना, ठीक है। आज हम लोग जो है वो सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे, एट ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है, एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ए टू एफ वन, यानी सेकेंड जो कंडीशन आपके पास में, यहाँ पर अपन सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन है वो कहां पर आ जाए, बिटवीन इंफिनिटी एंड टू एफ वन, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, इंफिनिटी और टू एफ वन के बिटवीन, यानी उनके बीच में। कौन सा लेंस पढ़ रहे हैं अपन, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दूं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपके पास में, अब देखो फर्स्ट कंडीशन अपन ने एट इंफिनिटी पढ़ लिया था, सेकंड कंडीशन जो है वो है बिटवीन इंफिनिटी एंड एफ वन। यहां पर देखना आप लोग रे डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या नाम देंगे अपन, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल सी डिस्टेंस ले लेना यहां पर सब में, ये हो गया इसका एफ वन और ये हो गया 2f1, ओके। इधर अपन कंसीडर करेंगे f2 और यहां पर कंसीडर करेंगे अप्रोक्सीमेटली 2f1, ठीक है। आगे देखो ये इंफिनिटी है, इधर इंफिनिटी का मतलब बहुत ज्यादा दूर, तो इंफिनिटी और 2f1 जो है उसके बीच में आपने किसको प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, ठीक है ना। तो यहां पर देखना मैं किसको प्लेस करता हूं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ये हो गया आपके पास में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब रे डायग्राम कैसे बनाना है आपको, देखो मिनिमम टू लाइट रेज लेनी है आपको, कितनी लेनी है मिनिमम में, टू लाइट रेज ओनली, ठीक है। तो देखना यहां पर ये लाइट रेज आ रही है और इसको आप लोग पास आउट करवाओगे, क्योंकि इसकी नेचर क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी नेचर होती है लाइट रेज को कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहां से ये क्या करेगी, इसको कन्वर्ट करेगी लाइट रेज को कन्वर्ट करता है लेंस, ठीक है। एक लाइट रेज जो है आपके पास में ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करवानी है आपको, यहां से जो है ऑप्टिकल सेंटर से आप लोग क्या करवा दोगे, इसको पास आउट करवा दोगे, ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास आउट करवाएंगे। तो यहां पर दोनों की दोनों लाइट रेज क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, और जहां पर इंटरसेक्ट करती है वहां पर क्या बना देंगे, इमेज, क्या बना देंगे, इमेज, ये कुछ आप इमेज बन गई, ठीक है। यहां पर मैं लिख दूं ये क्या है, इमेज, और ये क्या प्लेस है यहां पर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सुनो वो एक क्वेश्चन रिपीट करता है जो अपन ने मिरर में पढ़े थे, क्या पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, सेकंड है नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, और थर्ड आपसे पूछेगा वो साइज ऑफ इमेज। एक भी चीज को आपको रटना नहीं है, मैंने पहले भी बताया है आपको, पोजीशन ऑफ इमेज ये इंटरसेक्ट कर रही थी लाइट रेज है ना,
तो इंटरसेक्ट कर रही थी, तो देखो एक लाइट रे तो यहां से आ रही है कन्वर्ट करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो डायरेक्ट पास आउट हो जाएगी, उसके अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से पास आउट होगी, फोकस से, और जहां पर मीट होती है एक दूसरे से मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, दूसरे को काटती है, ठीक है, तो उस वहां पर इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा पोजीशन ऑफ इमेज, तो देखो इमेज की पोजीशन किसकी, इस किसी बीच में बिटवीन F2 एंड A, यहां पे टू F2 आएगा, F2 एंड F2, यहां पे लिख देंगे अपन बिटवीन F2 एंड F2, यानी इमेज का फॉर्मेशन F2 और F2 के बीच में हुआ है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, देखो मैंने आपको बताया था एक तो होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज, तो रियल इमेज कौन सी होती है, अगर रियल में इंटरसेक्ट करने के बाद में इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलेंगे अपन रियल इमेज, ठीक है। तो रियल में इंटरसेक्ट कर रही है लाइट एज, तो अपन इसको क्या नाम दे देंगे, रियल एंड इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, खुद देख लो इमेज जो है कैसी है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी है, यहां पर अपन लिख देंगे इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की साइज इतनी है, इमेज की साइज इतनी है, इसका मतलब ये कह रहा है कि स्मॉल, छोटी साइज है इसकी इमेज की, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से घर पे बैठ के बनानी है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस था, बिटवीन इंफिनिटी एंड 12, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, टू लाइट रेज लेंगे, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन जो है आपके पास में, थर्ड कंडीशन रहेगी कौन सी, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट में लिख देता हूँ आपको, पोजिशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहेगा 8 2F1, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है 2F1 के ऊपर, इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलो जी बनाते हैं अपन, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, फोकस F1, 2F1, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है आपको पता है, 2F1, इस बार 2F1 के ऊपर ऑब्जेक्ट प्लेस है, देखना आप लोग अच्छे से समझना इसको, वही मिनिमम टू लाइट रेज लेंगे, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया O, ये लाइट रेज आ रही है आपके पास में। अब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी नेचर क्या होती है, लाइट रेज को कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करके कहां से पास आउट करवाएगा, F2 से, ये हो गया इसके लिए F2, ठीक है, और F2 से पास आउट करवाएगा। उसके बाद में एक और लाइट रेज लेते हैं कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से मैं लाइट रेज को पास आउट करवाता हूँ, एकदम आपके पास स्केल होता है घर पे आराम से जो है तो एकदम स्ट्रेट बना सकते हो लाइन को, ठीक है। और जहां पर इंटरसेक्ट करेगी लाइट रेज वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये है यहाँ पर 2F2। तो देखो मैंने क्या बोला आपको कि पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 8 2F1 के ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से कोई भी लाइट रेज आएगी, लाइट रेज आने के बाद में यहाँ पर 2F2 के ऊपर क्या करती है, इंटरसेक्ट, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर किसका फॉर्मेशन कर देंगे अपन, इमेज का फॉर्मेशन कर देंगे, यहाँ पर क्या बन गई, इमेज बन गई भाई, ठीक है। अब सुनो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा है क्या, पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, और थर्ड जो है वो है साइज ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज, खुद देख के बता दो ये इमेज बन रही है कहां पर है, 2F2, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, रियल में काट रही है दूसरे को,
इमेज है ना, एंड इन्वर्टेड है कि इरेक्ट इमेज, इन्वर्टेड यहाँ पर लिख देंगे अपन रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि उल्टी, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, तो साइज जो होगी वो सेम साइज होगी इसके ऑब्जेक्ट के, यानी आप लोग मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सेम साइज द ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनी है वो किसके इक्वल बनी है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज बनी है, ठीक है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी क्या बनी है यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टू कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, इनको घर पे बैठ के आपको जो है आराम से बनाना है, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड फोर्थ कंडीशन आपके पास में, फोर्थ कंडीशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वही पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस करेंगे, देखो सबसे पहले इंफिनिटी का, फिर बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1, फिर 2f1, उसके बाद में बिटवीन 2f1 एंड f1, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2f1 एंड f1, यानी 2f1 और f1 के बीच में किसको प्लेस किया है मैंने, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना आप लोग वही कॉन्वेक्स लेंस बड़ा छोटा कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया फोकस F1, ये हो गया F2 F1, ठीक है। और यहां पर अपन बोलेंगे इक्वल डिस्टेंस लेंगे आपको ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। ये हो गया F2 और ये बोल देंगे अपन 2F2, ओके। अब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है बिटवीन 2F1 एंड F1, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा एग्जाम में, ये लो साहब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से वही सेम कहानी रिपीट करनी है, लाइट रेज आएगी मिनिमम 2 लाइट रेज, ठीक है। ये आ रही है कहां से, पास आउट होगी F2 से, ये पास आउट होगी, ठीक है। उसके बाद में ए कहां से पास आउट होगी, ऑप्टिकल सेंटर ओ से, अपने आप मिल जाएंगे आपको, उनको नहीं मिलवाना है इनको, आप तो बस ये डिस्टेंस इक्वल ले लेना, ये डिस्टेंस इक्वल ले लेना, आपके पास जो स्केल होगा उससे आप लोग लाइन जो है इनको अच्छे से मिला देना, अपने आप मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है, जहां पर इंटरसेक्ट करेगी लाइट एज वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, इमेज का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये क्या है आपके पास में इमेज, ठीक है। अब सुनो आपको क्या देखना है, क्या ध्यान में रखना है, वही सेम कहानी सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजिशन कहां पर है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, नेचर पूछेगा आपको, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। थर्ड जो पूछेगा वो पूछेगा आपको साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। ये तीनों चीजें जो है आपको पूछ सकता है। पोजिशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिहाइंड 2F1, सॉरी 2F2 के पीछे। नेचर ऑफ इमेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल इमेज, एंड इनवर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बन रही है। साइज देखो ऑब्जेक्ट कितना सा है, इमेज बड़ी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ लार्ज साइज या एनलार्ज, यानी कि बड़ी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आज की क्लास के लिए आपके लिए इतना ही है, घर पे बैठ के रे डायग्राम्स को जो है वो प्रैक्टिस करना आप लोग बैठकर, ठीक है। यहाँ पर अपन बात करें डेट लिख देते हैं आज की 10/8/20, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताई है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है आपको, तो देखो कुछ भी नहीं करना है, टू मिनिमम टू लाइट रेज लेनी है, एक लाइट रेज पैरेलल आएगी
फोकस से बाहर चली जाएगी, ठीक है। एक लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट जैसी आई है वैसे ही पास आउट हो जाएगी, जहाँ पर इमेज सेट करती है वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन कर दो। अब अपने आप आ जाएगा पोजिशन ऑफ इमेज, खुद देख के बता दोगे नेचर ऑफ इमेज। अगर रियल में इंटरसेक्ट करेंगे लाइट रेज रियल में कर रही है तो रियल इमेज है, उल्टी सीधी यानी कि इन्वर्टेड अपराइट आपको खुद को दिख जाएगा, ठीक है। और साइज साइज आप ऑब्जेक्ट की साइज मेजर कर लेना, इमेज की साइज मेजर कर लेना, स्मॉल अगर स्मॉल, इक्वल अगर इक्वल, और लार्ज तो लार्ज, ठीक है। ओके, थैंक यू।